चलो ये क्वेश्चन देखो, एक सर्किट दिया हुआ है प्यारे बच्चों। इस सर्किट में आपको पहले से ही B1 और ये एक ऊपर का सर्किट है, ये लोअर सर्किट है। इन दोनों सर्किट का हमें वोल्ट मीटर है, आमीटर है, और वोल्ट मीटर आमीटर की दोनों में रीडिंग निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से भी कर सकते हो और मैथमेटिकली मैं डिटेल में भी समझा देता हूँ। पहले आसान तरीके वाले से समझ लेते हैं। देखो अब ये वोल्ट मीटर आमीटर की रीडिंग निकालनी है। तो ये जो वोल्ट मीटर होता है इसका आइडियल जो रेजिस्टेंस होता है, आइडियल रेजिस्टेंस वो इनफाइनाइट होता है। तो अगर आइडियल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो यहाँ से जो करंट जा रही है तो इसमें तो कोई करंट जाएगी नहीं यार, जीरो है करंट। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, करंट लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करती, सारी की सारी करंट यहाँ से निकल जाएगी। तो इस सर्किट में ये इसकी जो रीडिंग होगी, इस सर्किट में इसको हटा दो, इसमें कोई करंट ही नहीं है, ये यूजलेस है। तो इस सर्किट का जो करंट हो जाएगा वो होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है 10 ही है। तो कुल मिला के 1 एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रही है। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग 1 एम्पियर आ गई, और आमीटर की रीडिंग सॉरी आमीटर की रीडिंग 1 एम्पियर आ गई, और वोल्ट मीटर की रीडिंग भी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो भी इज इक्वल टू आई आर। तो रेजिस्टेंस 10 है, करंट 1 है, मतलब ये 10 वोल्ट। तो ये जो रीड करेगा वो 10 वोल्ट रीड करेगा, और ये रीड करेगा 1 एम्पियर। तो कुल मिला के मतलब इतनी रीडिंग आ गई। सेकेंड केस में, अगर सेकेंड केस में देखोगे ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है और इसकी रेजिस्टेंस जीरो होती है आइडियल केस में। तो ये वाली जो चीज़ है, अब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस में थोड़ा सा रेजिस्टेंस ऐड करोगे तो यार क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा भाई। थोड़ा सा रेजिस्टेंस ऐड करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी में थोड़ा सा अमाउंट ऐड करोगे तो इन्फिनिटी मिलेगा। तो ये वाली सर्किट और ये वाली सर्किट सेम हो गई, फिर इसको हटा दिए। तो जब सेम हो गई तो अगेन रीडिंग आ जाएगा 1 एम्पियर आमीटर की, और वोल्ट मीटर की रीडिंग आ जाएगी दैट इज 10 वोल्ट। तो दोनों में रीडिंग सेम है, मतलब ये जो है हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है। और नहीं तो और ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हो तो डिटेल में इसको ऐसे भी देख सकते हो बच्चों, कि यहाँ पे जो है, अब पहले वाले सर्किट में देखो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आइडियल इनफाइनाइट है, तो भी वन अपन आर वन प्लस 1/R2। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/R 10, और वोल्ट मीटर की इन्फिनिटी तो 1/R। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया बोलो, 1/10 ओम हो गया नेट रेजिस्टेंस, 1/∞ जीरो हो गया। तो करंट, ये जो इनफाइनाइट वाला रेजिस्टेंस है इसमें कितनी करंट गई, तो करंट I इक्वल टू V/R। तो वोल्टेज इसका V है, वट एवर जो भी इसमें वोल्टेज ड्रॉप है, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो इसमें जीरो करंट जाएगी। वैसे भी इसको याद रख लो यार, तो इसमें जीरो करंट गई, और अगर इसमें जीरो करंट गई तो ये सारी की सारी करंट इधर आ गई। आइडियल आमीटर की रेजिस्टेंस जीरो होती है, तो अगर इसकी रेजिस्टेंस जीरो होती है तो अब दोबारा वही अपना निकाल सकते हो कि करंट I इज इक्वल टू V/R। तो नेट वोल्टेज सप्लाई इज इक्वल टू 10 वोल्ट हो गया, और ये रेजिस्टेंस इधर आ गया, काउंट हो गया, तो ये आ गया 1 एम्पियर। मतलब वही है, बट ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, बट इस चीज़ को आप याद रखो, बेहतर तरीके से याद रखो कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो दोनों में रीडिंग सेम आएगी, सेम है। अगर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में थोड़ा सा जोड़ोगे तो इन्फिनिटी ही मिलेगा, और ये सर्किट और ये सर्किट सेम। चलो नेक्स्ट, ये